बेसिकली अपने को एक टेबल चार्ट वा जिन्हें उन्होंने दस्या कि प्रोडक्शन ऑफ कोकोआ बीनज है किन्ने कोकोआ बीनज प्रोड्यूस हो रहा इन यूनिट किलोग्राम से जी ठीक है मैं स्टेटमेंट के नाल मैनशन नहीं किया शायद यूनिट किलोग्राम से किलोग्राम्स में किन्ने कोकोआ बीनज प्रोड्यूस हो रहा अलग अलग देश के ठीक है अलग अलग देशों के बेसिकली अलग अलग जगहों के ठीक है ओके इनू लिखना वा हुण किन्ने सारे जाने ना ये सोचते हैं कि मैं बार ग्राफ लिखना आ गया वा मैं लाइन ग्राफ लिखना आ गया मैं टेबल चार्ट नहीं लिखना आता इस तरह का कुछ नहीं हों सारे चार्ट वा ना जिहड़े ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਕੋਈ ਚਾਰਟ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਹਾਈਐਸਟ ਲੋਐਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਲੋਐਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡ ते अपने टॉपिक नूं लिखण दे लई ना अपने टॉपिक नूं लिखण लई आपां कुछ परमानेंट सेंटेंसेस बना ले ठीक है वह सेंटेंसेस की आ जे कोई चीज़ मान लो पंज ते वह वध के सत्त ते चली जावे ते घट के तीन ते आ जाए इहनूं लिखण दे तुहाडे कोल मान लो कोई चीज़ इस तरह उपर जाके नीचे आ रही है बेसिकली ठीक है इहनूं लिखण दे तुहाडे कोल पंज सेंटेंसेस पहला सेंटेंस की अपना बिफोर दे नाल आपां सेंटेंस बनाने आ इट वॉज एट फाइव एंड इट इनक्रीज टू सैवन बिफोर फॉलिंग टू थ्री क्यों पांच ते ही तो सात ते चली गई तीन ते डिगन तो पहला दूसरा सेंटेंस आप बनाने हैविंग की मदद के नाल सेम चीज इट वॉज एट फाइव एंड हैविंग इनक्रीज टू सैवन इट फेल टू थ्री तीसरा सेंटेंस आप बनाने पीक की मदद के नाल आप कहने इट वॉज एट थ्री फाइव and it hit the peak at 7 thereafter it kept on declining till 3 next sentence apne ko aunda once di madad de naal papa kehne aa it was at 5 and once it reached 7 it fell to 3 te last apan banane aa only 2 di madad de naal kive it was at 5 and it reached 7 only to fall back to 3 aa cheez ho so tanu kadi is tarah di cheez koi vadh ke ghatne wali cheez na mil jaye tuhi ahi sentence banane hai bas theek hai te task cover ho jana hun apne ko 1 2 3 4 5 6 cheezan apan vekhde hain 6 chon kinniyan cheezan aa trend follow kardiyan paiyan jadon vi tade ko multiple chart aa jaye hun tuhi kahoge sir eh te line graph hai aa te table chart hai kive vekhange हर एक इनक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड बेसिकली लाइन चार्ट ही होंगे वा बस वो टेबल चार्ट की फॉर्म से लुकया पाया वा इन आप पर्दाफाश कर दिता उन्हें कि वे वेखो इनू लाइन ग्राफ बना लो वेखो 46 25 39 46 आही चीज़ आ गई बस उल्टी है अपना सेंटेंस लगावे ओनली टू वाला किवें बस इट की जगह पर जो अपना टॉपिक आ वह पा दो किवें द प्रोडक्शन ऑफ कोकोआ बीनज इन नॉर्थ अमेरिका was at 46,000 in 1992 and it fell to 25,000 in 1994 only to rise back to 46,000 in 1998 jithe increase likha utthe decrease kar do jithe decrease likha utthe increase kar do ulta ho jauga sir innu vekhyo 29 43 1 lakh 25 आई चीज बनती है पीक वाला सेंटेंस लगा दिए वही गल इट दी गल द प्रोडक्शन इन अफ्रीका वाज एट 29,000 एंड इट हिट अ पीक एट 1,19,000 इन 1996 देयर आफ्टर इट केप्ट ऑन डिक्लाइनिंग टिल 25,000 हो गया ओके इनू वेखो 1 लाख 2 लाख सॉरी 1.21 आते सीधा इंक्रीज हो रहा इन भी मैं तुम्हें सेंटेंस करवाना रोक चले पर सीधा इंक्रीज हो रहा इन वेखो 40,000 45,000 60 सीधा इंक्रीज हो रहा इन भी सेंटेंस एक आपको कोई गल इनू वेखो 143 14 127 38 फिर वही चीज़ आ गई 143 तो घटिया घटिया वध गया फिर वही चीज़ बन गई केड़ा कर लिए बिफोर वाला कर लिए इट वॉज एट 1,43,000 एंड इट फेल टू 127,000 विचकार लिखने की कोई लड़ नहीं ठीक है before rising to
389,000। ठीक है, इनू वेखो किवें आ 56, 67, 43, 49, इन्हें इन्ना सब तोड़ दो, इन्ने कल्ले नू वेखो, इसे कल्ले दे उत्ते हैविंग दा सेंटेंस लगा लो, किवें इट वॉज एट 56 एंड हैविंग इंक्रीज टू 67 इट फेल टू 43, तो फिर फुल स्टॉप आगे ले दो, इन द एंड इट इंक्रीज टू 49, इन द एंड मीनवाइल कर दो, इन द एंड मीनवाइल इट इंक्रीज टू 49, छोटा है सेंटेंस बना दो, तेरा टास्क ओवर हो गया। छे चो चार चीजें इन्हें जो बन गई तुहाडियां, भावें बारग्राफ होवे भावें टेबल चार्ट होवे, जे तुहाडे कोल मल्टीपल साल आ ते आही सेंटेंस यूज होने, तुसीं बस इस तरह वेख लेना की बनता पिया। हुण गल आ गई जिहड़ी आ तो चीजां वा जिहड़ियां सिद्धियां इंक्रीज होण दीआं, इन्हां दा की करिए, वेखो जिहड़ी चीज़ कोई सीधी इंक्रीज होंदी पई आ, मान लो कोई चीज़ 5 ते आ ते वध के 7 ते चलेगी, इहनूं किवें लिखोगे? आपां कहांगे इट सॉ एन इंक्लाइन ऑफ 2, 2 कित्थों आया 5 ते 7 दे डिफरेंस, बिगनिंग फ्रॉम 5 एंड एंडिंग एट 7, आपां कहांगे किन्ने दे 1 लाख तों 43 चल गया ना, 3 लाख दा डिफरेंस आ गया, 3 लाख 6000 दा, कैलकुलेट कर लियो, इट सॉ एन इंक्लाइन ऑफ इन्ने लाख किलोग्राम्स बिगनिंग फ्रॉम 119,000 एंड एंडिंग एट 36,000। क्लियर है? ओके, साल नाल ऐड करते हैं इन इन दिस ईयर इन इन दिस ईयर, ईजी। तो जे मान लो कोई चीज़ तुहाडे कोल इस तरह ही आ, वध के 5 तो 7 जाती है, पर विचकार छे ते भी रुकती है, ठीक है, सीधा 7 नहीं है, विचकार रुकी हो किसी, तो आप कहेंगे इट लेफ्ट फ्रॉम 5 फर्स्ट टू 6 एंड दैन टू 7, ठीक है। सो इन दिस करा कि वाला अपना आ, इट लेफ्ट फ्रॉम 40,000 फर्स्ट टू 65,000 एंड दैन टू 77,000, तो आ सेंटेंस अपने 6 लग गए तो टास्क कवर हो गया। जितों तक गल आती है इनका ओवरऑल लिखण की, ओवरऑल किवें लिखी दा वा, बस ये देख लीजा वा कि वध्या केड़ा घटिया, हुण ओवरऑल का मतलब होंदा ओवरऑल, तुसीं वेखणा टोटल च केड़ा वध्या केड़ा घटिया, जिवें वेखो 29,000 ते 25,000 की हो गया, ये डिक्रीज हो गया ना। एशिया का वेखो 1 लाख ते 4 लाख इंक्रीज, ओशियाना 40,000 77,000, साउथ अमेरिका ते इंग्लैंड डिक्रीज हो गया, ठीक है। गल आती है इंदी, ए 46 to 46 ही रहा, इनू स्टेबल तो नहीं कह सकते, स्टेबल तो आ होंदा, सो इनू कहांगे फ्लक्चुएट। ओवरऑल बनाने के लिए अपने को परमानेंट सेंटेंस अपना जो हमेशा लिखते हैं सेंटेंस आ, When all the figures are taken into consideration, comma, it can be vividly seen that, आ लाइन ते पा लिखनी लिखनी है, बस हुण उही लिखो केड़े केड़े वधे, that the production in केड़े केड़े अपने कोल एशिया ओशियाना एंड साउथ अमेरिका इंक्रीज्ड, हमेशा यही कनेक्टर पर लगाने हैं while, while for England and Africa it fell decreased, तो एंड रह गया नॉर्थ अमेरिका, इन लिए कनेक्टर लगा देना meanwhile, meanwhile नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका experienced fluctuations, बस जो होया वा उही दस दो, अज आप हाईएस्ट लोएस्ट की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया वा, कल हाईएस्ट लोएस्ट करा जिंदा ज्यादा डेटा होगा, फाइन, ओके।